देखिए पटवारी की प्रॉब्लम को लेकर यापुर किसान तहसीलदार के दफ्तर में धरना लगा दिया है कि कई गांवों में पटवारियों की प्रॉब्लम है, इसीलिए किसानों ने धरना लगाया है। इनकी क्या मांग है, क्या सोच है भाई साहब, आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? बाड़सवन तहसील का जो तहसीलदार बहुत ही निकम्मा है, बहुत ही वाहियात है। बार बार यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप हमें देखने को मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार में पहले जब भी फर्ज निकाल के दी जाती, मोहर मार के साइन करके दिया जाता ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, लेकिन इस तहसीलदार ने पटवारियों को ये काम कर दिया, आप सिर्फ मोर मारो, साइन मरवाने के लिए दोबारा अपने सर्कल में जाए, किसान फिर रजिस्ट्री कराने दो। एक तो उस बात से नाराज है, दूसरी हमारे बाड़समंद और सलेमगढ़ और रड़वा का जो पटवार सरकार है वहाँ तक पटवारी नहीं है, और जिन पटवारियों को वहाँ चार दिया गया वो कभी फोन नहीं उठाते, कभी अपने दफ्तर में नहीं मिलते, किसान बार बार परेशान हो रहे हैं। और हमने इसी विरोध में आज धरना शुरू कर दिया है तहसील के अंदर, वे यहीं बैठेंगे, और तहसीलदार बोल रहे हैं एक बार आप इसको दिखा दो, ये बैठे, और इसको हमने ये बोले हैं, हमने तहसीलदार को ये बोले भाई आप अपना काम सुचारू रखें, हम इस तहसीलदार इस कमरे में कब्जा करें, चाहे कलक में जाके काम करें, लेकिन बोले मैं आप यहाँ रहोगे तो काम नहीं करूँगा। इस आदमी की निकम्मी सोच और वाहियात बातों के कारण किसान आज बाड़सवन तहसील का परेशान है, लेकिन इसका विरोध हम डट कर करेंगे, और इस तहसीलदार और इस तहसील प्रशासन को सबक सिखाएंगे, तमाम पटवारियाँ हम इस तहसील में लेके आएंगे। ये किसानों की प्रॉब्लम है, पटवारियों की, हर गांव पटवारी नहीं है, घर जाता है, यहाँ तहसीलदार से बहस चल रही है, तहसीलदार कह रहे मेरी बस की बात नहीं है, हमारे बाड़सवन के किसान साथी और एक हफ्ते से परेशान है, बाड़सवन सर्कल के अंदर कोई पटवारी नहीं, किसी के पास चार्ज है, और किसी पटवारी के पास भेजे तो जाकर के इस किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और तहसील प्रशासन अपना पल्ला झड़ने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास पटवारी नहीं है। ये हालात बाड़सवन तहसील के हैं, और सुंडावा सलेमगढ़ और रड़वा सर्कल का भी यही आरोप हरिया में, तो आज आप अंदाजा लगा सको वे किसानों को किस हद तक परेशान किया जा रहा है, वो बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं। एक हफ्ते से हमारे ये साथी भी चक्कर काट रहे हैं, आज तक इनका कोई साइन करने वाला नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या, गांव में नंबरदार नियुक्त नहीं कर पा रही है सरकार, और दूसरी तरफ आज पटवारी भी किसानों के काम अड़ाने में तुले हुए। 2 महीने हो गए कुछ सरकार और कुत्ते दिल्ले लोग, हम जिनको कहना तो नहीं चाहते पर लेकिन हैं, वो कहेंगे कि अपनी गुंडागर्दी पे उतर आए, लेकिन या तो ये अपनी तहसील और ये अपना सिस्टम सामट लो, हमने तारी जरूरत को नहीं, हमने गांव भी चलाने और पंचायतें तभी राज करना हुआ, और या ये अपना सिस्टम सुचारू रूप से चालू करे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ चलाना था तो पटवारियों पे क्यों दोष दे रहे हो आप? फिर पटवारियों के ऊपर हमारे ऊपर कानून के नाम पर ठोकिया जा रहा है, हर तरह से किसानों को, मजदूरों को, और एक प्रकार से ये जो तंत्र है ये हमारे ऊपर हैवी हो चुका है। नहीं आज से इन सरकारों और लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा जो भाईचारा और पंचायत के हिसाब से भी हमने इन गांव को चलाया, आज से ये नहीं चल रहे, लेकिन चलाओ चलो एक समय की मांग थी, लेकिन आज ये पटवारी नहीं है, गांव में नंबरदार नहीं है, बहुत शर्म की बात, और तहसीलदार अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए किसान परेशान, प्रशासन आराम से बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान देखिए हम बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ तहसीलदार से बात कर रहे हैं, किसान के भी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तहसीलदार ये प्रशासन के तहसीलदार है, किसान बात कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, कुछ आज हल हो जाए, नहीं तो किसान अपनी यहीं बैठेंगे, और जो सत्रु से काम है वो तो चल रहा है, उसको नहीं रोक रहे, सत्रु रूप से काम सबका चल रहा है, किसान सिर्फ इस बात से परेशान है कि भी हमारे यहाँ हर गांव में पटवारी हो या फिर किसी को चारा दिया जाए, क्योंकि वे बहुत परेशान हैं, और काम सुचारू रूप से तहसीलदार कर रहा है, वैसे कोई बात नहीं, सभी कर रहे हैं इनका, लेकिन किसान रोक भी नहीं रहे, काम कराओ, रजिस्ट्री कराओ, लेकिन हम तो हमारा आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कोई पटवारी नहीं हो। ये बातचीत चल रही है किसानों की, मैं कपूर सिंह की एसबी न्यूज़।